गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका 2022-23 सेशन का सिलेबस। न्यू सिलेबस, रिवाइज सिलेबस है आपका CBSE के द्वारा पैटर्न सिलेबस। तो इसमें हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही चैप्टर्स डिस्कस कर लेंगे, चैप्टर मार्क करा देंगे आपको अच्छे से आपकी NCERT बुक से। तो यहाँ पे कुछ यूनिट्स दे रखे हैं, कैसे आपका टोटल मार्क्स 80 मार्क्स का एनुअल एग्ज़ाम में पेपर आएगा। अब इन चैप्टर्स, इन यूनिट्स से आपके चैप्टर आएंगे। तो नंबर सिस्टम में कौन कौन से चैप्टर हैं, अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर हैं, वो अभी हम मार्क कर लेंगे। तो ये आप यूनिट्स ज़रूर याद रखें कि किस चैप्टर में कितने मार्क्स का पेपर आएगा। तो चलिए चैप्टर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे। तो आपका फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति, सेकंड चैप्टर बहुपद, तीसरा चैप्टर निर्देश ज्यामिति, चौथा दो चर वाले रैखिक समीकरण, पांचवा इक्लिड की ज्यामिति का परिचय, छठा रेखाएं और कोण, सातवां आपका त्रिभुज, आठवां चतुर्भुज, नौवां आपका चैप्टर जो है वो नहीं आ रहा है। तो आप इस पर इसे बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, यह चैप्टर आपका बिल्कुल नहीं आ रहा। दसवां चैप्टर आ रहा है वृत्त, ग्यारहवां नहीं आ रहा, ग्यारहवां भी नहीं है, बारहवां भी नहीं है आपका, जो जिस पे मैंने टिक करें वही आएगा। और तेरहवां चैप्टर आएगा पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, चौदहवां चैप्टर आएगा संख्या की। बस ये चैप्टर आपके आएंगे एनुअल टर्म के एग्जामिनेशन पे, तो आप इसे अच्छे से मार्क कर लीजिए। और डिलीटेड चैप्टर चैप्टर नंबर 9, 11, 12 और 15 है, तो इन्हें भी मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम इंग्लिश मीडियम के चैप्टर्स मार्क करा देते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में भी सेम ही है, बट नेम इंग्लिश में है, वो तभी कन्फ्यूज़न ना होने के लिए मैं दोनों मीडियम में चेक कर टिक करवाऊँगी। फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, सेकंड पॉलीनोमियल्स, थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो ये चैप्टर आएंगे। फिर फिफ्थ इंट्रोडक्शन टू इक्लिड ज्योमेट्री, सिक्स लाइन्स एंड एंगल्स, सेवन ट्राइंगल, एट कोऑर्डिनेटर्स। एंड यहाँ पे 9 चैप्टर मार्क नहीं है, आप 9 चैप्टर नहीं रिलान करेंगे, आपका नहीं आ रहा। 10 चैप्टर आ रहा है, फिर 11 नहीं आ रहा, 12 नहीं आ रहा, 13 आ रहा है, 14 आ रहा है, 15 नहीं आ रहा, तो आप इस पर मार्क कर लेंगे। तो 10 चैप्टर सर्कल, 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एंड 14 चैप्टर स्टैटिक्स, ये चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, तो आप इन्हें एक बार मार्क कर लीजिए अच्छे से। और इसका आप SS भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आपने मार्क कर लिए होंगे अच्छे से। और इन चैप्टर के अलावा और कोई चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, आपको लास्ट में ही एकदम पूरा इन सभी चैप्टर्स को अच्छे से करना है। नेक्स्ट अब हम इसके मैथ्स के क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा, आपको रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग जैसे क्वेश्चन होते हैं वो 43 मार्क्स के आ जाएंगे। फिर कैसे क्वेश्चन में अप्लाइंग होते हैं ना, कि किसी में आइडेंटिटी अप्लाई करना है, तो वो 90 मार्क्स का क्वेश्चन, एनालाइजिंग, इवेल्यूएटिंग, क्रिएटिंग, ये सब 80 मार्क्स में आ जाएगा। और ये टोटल आपका 80 अप्रॉक्स 100% बनेगा और 80 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। अब 80 मार्क्स का आपका फाइनल टर्म, मिड टर्म में आपका पेपर ज़रूर होगा, बट आपको उसके कोई भी मार्क्स नहीं लगेंगे। तो मिड टर्म के लिए या PT UT उनके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। 20 मार्क्स में आपका PT आ जाएगा इसमें, बट 5 मार्क्स PT के लिए आ जाएंगे, जो आपके पेन पेपर टेस्ट होते हैं मल्टीपल असेसमेंट, वो 5+5 में आ जाएंगे। आप जो भी असेसमेंट देते हैं मैथ्स का, पेन पेपर टेस्ट 5 मार्क्स का, तो ये 10 मार्क्स में आ जाएंगे। पोर्टफोलियो 5 मार्क्स में आ जाएगा, और प्रैक्टिकल फाइल जो भी लैब प्रैक्टिकल होता है वो 5 मार्क्स में, तो 20 मार्क्स आपका ऐसे बनेगा। टोटल वेजेट 100 मार्क्स का, बट 80 मार्क्स जो आप फाइनल में पेपर देंगे उसी के लगेंगे। ये आपको डिस्कस करना था। तो आई होप आपका सिलेबस यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा न्यू सेशन का, 9th क्लास का। और आपने अभी तक अदर सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं देखा तो वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप उसे भी देख सकते हैं दोनों मीडियम में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।